भाई मेरे को बहुत दिनों से लोग बजाज की री जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है उसके बारे में रिव्यू मांग रहे थे, और मैं ढूंढता हुआ फिर रहा था कहीं से ये बजाज वाली गाड़ी मिल जाए। आज अचानक से एक भाई जो कि आगरा से लेके आए हुए हैं, इनसे थोड़ा सा रिव्यू मांगते कैसी गाड़ी है, कितना चलती है, क्या क्या अच्छा है इसमें, हमारी महिंद्रा ट्री और आप ई सिटी से। तो भाई साहब से बात करते हैं पहले। 150 भी है, 150 चल जाती है एक चार्ज में, 150 किलोमीटर। एक चार्जिंग का खर्चा कितना आ जाता होगा? 100 रुपए, 50 रुपए, दो अलग अलग बता रहे हैं। 100 मान लो एक बार के। अच्छा, एक बार के 50 रुपए, और 150 किलोमीटर पूरे निकाल देती है आपने ना पाए। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और भाई मेरा बैकग्राउंड में चारों तरफ आपको दिख ही रहा होगा, आज भाई मौसम का पहला कोहरा है जो कि हमारी गली में भी नजर आया है। कोहरा तो पड़ रहा था लेकिन अभी जो जंगल का इलाका है, थोड़ा सा गाँव है वगैरह है, वृंदावन की तरफ कल में जब गया था सुबह उस टाइम भी कोहरा था लेकिन अपनी गली में नहीं दिखाई दिया था। आज भाई चारों तरफ जैसे ही गेट खोल के बाहर निकला, कोहरा ही कोहरा भैया, पूरा का पूरा अंधेरा हो रखा है। वैसे सुबह के 8 बज चुके हैं, गाड़ी की साफ सफाई हो चुकी है, फिलहाल मैं निकल रहा हूँ मथुरा जंक्शन के लिए। और भाई आज नहा धो के नहीं जा रहा हूँ, आज ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा अंडरवियर नहीं सूखा या कोई और वजह हो, आज केवल वजह ये है हमको बाल कटवाने अपने। और सुबह सुबह ना जाओ फिर दोबारा कौन नहाएगा इस सर्दी में दो बार, इसलिए शैम्पू से बाल धो लिए, मुँह हाथ धो लिए, सब काम फिट हो गए, बाल कटवाएंगे, दोपहर को आके नहाएंगे। तो एक नया दिन नया ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं। तो ओ भाई साहब, आज तो मथुरा जंक्शन भी नहीं दिख रहा भाई, और दिल यही से मथुरा जंक्शन दिख जाता था। आज देखो भयंकर कोहरा भाई, भयंकर। अब तक आउटसाइड पड़ रहा था मथुरा से बार बार, आज पहली बार मथुरा शहर के अंदर कोहरा दिखा है भाई। ये आ गए मथुरा जंक्शन पे, चक कोहरा पड़वा रहे भैया। हाँ? अबे आज ही तो देखो है, एक ही दिन में घबरा गए। हाँ? पहलो दिन आए, क्या बोले नेताजी? अभी अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हाँ नेताजी भाई, पुराने जमाने वाले नेता टाइप है तो डायलॉग भी उनके और इसी टाइप के होते हैं। अभी तो ली अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है नेताजी, पूरे के पूरे नीचे से ऊपर तक। रजाई क्यों नहीं लाए, इससे क्या होगा? अंदर तो वैसे हैं। ओ हो हो, उल्टू रहते हैं भाई हमारे नेताजी। और भाई मथुरा जंक्शन का हाल ही है, कब कितनी देर हो गई खड़े खड़े? तुझे तो कुछ नहीं निकला? ऐसे कोहरे में गाड़ी आएगी कहाँ से जो निकले यार? रात वाली नहीं आई है। रात वाली लाई, बढ़िया भैया, टाड़े रहो आज। तो भाई थोड़ा सा अंदाजा इन लोगों ने बता ही दिया, बाकी होगा तो बताएंगे, वरना यार खड़े तो है ही भाई। दोस्तों सुबह घर से निकलते ही मौसम का हाल पता चल गया था और हिम्मत नहीं हो रही थी निकल के आने की, पर भाई परिवार चलाना है, घर चलाना है, तो निकल के तो आना ही पड़ता है। तो घर से निकल के मथुरा जंक्शन पहुंच गया। मथुरा जंक्शन पहुंचने के साथ ही मेरे को टाउनशिप गेट की सवारियां मिल गई। ये मथुरा रिफाइनरी नगर है, सामने आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा शायद, बहुत भयंकर कोहरा है भाई। तो सवारी छोड़ दिया, और भाई अच्छा है कि मेरी महिंद्रा ट्रियो में एक सिस्टम है जिसमें चारों के चारों इंडिकेटर एक साथ जल जाते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा एक अच्छा फील आता है कि कुछ ना कुछ तो लोगों को दिख ही रहा होगा इंडिकेटर्स की वजह से। तो ये पहली सवारी छोड़ दी है टाउनशिप गेट पे, अब निकल रहे हैं मथुरा जंक्शन के लिए दोबारा से हमारी महिंद्रा ट्रियो के साथ। चलिए पहुँचते हैं, दूसरे चक्कर लगाने की कोशिश करते हैं। पहला तो दिन की शुरुआत हो गई इतने कोहरे के बावजूद भी, वृंदावन वगैरह की सवारी दिख नहीं रही थी, मैंने टाउनशिप का ही लगा दिया। चलिए निकलते हैं यहाँ से भाई साहब, कोहरे का आलम देख लो। दोस्तों दोपहर होने को आ गया, 11:15 बज चुके हैं और भाई कोहरा अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जैसा सुबह से था वैसा का वैसा एकदम झपाझप करके रखा हुआ है। और भाई आज वृंदावन वगैरह की सवारी तो कोई मिली नहीं, दो जो चक्कर लगाए मैंने आज सुबह से जब से निकल के आया हूँ मैं, पहला मथुरा रिफाइनरी नगर है जो रिफाइनरी वालों की कॉलोनी है वहाँ के लिए, और दूसरा चक्कर सीधा रिफाइनरी का ही मिल गया। आज वृंदावन वगैरह नहीं मिला, दो चक्कर, एक रिफाइनरी नगर का, एक मथुरा रिफाइनरी का, दूसरा वाला चक्कर रिफाइनरी का मिला था। तो अभी अभी सवारी छोड़ के वापस जा रहा हूँ मथुरा जंक्शन की तरफ, और भाई कोहरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है यार, बिल्कुल बर्फ बना दिया है, कश्मीर बना दिया मथुरा को।
भाई मेरे को बहुत दिनों से लोग बजाज की रीजो इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है उसके बारे में रिव्यू मांग रहे थे, और मैं ढूंढता हुआ फिर रहा था कैसे ये बजाज वाली गाड़ी मिल जाए। आज अचानक से एक भाई है जो कि आगरा से लेके आए हुए हैं, इनसे थोड़ा सा रिव्यू मांगते कैसी गाड़ी है, कितना चलती है, क्या क्या अच्छा है इसमें, हमारी महिंद्रा ट्रियो और आप ए सिटी से। तो भाई साहब से बात करते हैं पहले। तो भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? रिजवान। तो भैया महिंद्रा ये आपकी जो बजाज की गाड़ी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दोगे? क्या जानकारी बताएं? कितना चलती है, कैसे है, क्या फाइनेंस है, क्या और कितने रेट में आ रही है, यही पूछनी है बस। ये 150 भी है, 150 चल जाती है। एक चार्ज में 150 किलोमीटर, एक चार्जिंग का खर्चा कितना आ जाता होगा? 100 रुपए 50 रुपए दो अलग अलग बता रहे हैं। अच्छा एक बार के 50 रुपए, और 150 किलोमीटर पूरे निकाल देती है आपने नापा है? अच्छा, और इसका रेट क्या है मार्केट का? मार्केट बढ़ गई है, कैश में अब हो गई है ये 58 की 358 358,000 रुपए। और फाइनेंस पे कितने की पड़ रही है? जितने जमा करोगे उतना ही है, जो अपना बजट के हिसाब से। बजट के हिसाब से गाड़ी की कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ी हुई है क्योंकि 5 महीने पुरानी गाड़ी है और भैया ने इस समय इसमें सिलेंडर लाद के रखा हुआ है। आगरा से आइए तो भाई इतना ही अंदाजा लगा लो, हमारा मथुरा जंक्शन आगरा से लगभग 56 किलोमीटर है एक साइड से। बाकी गाड़ी में दिखा देता हूँ, ये देखिए वही प्रॉपर जो ऑटो वाला सस्पेंशन है इसमें, और ऐसी कुछ दिखती है भाई गाड़ी। ये इसका फ्रंट का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, मीटर वगैरह, पावर ब्रेक है ऑयल वाली, और भाई पीछे से देख लो थोड़ा सा, ये देखिए ऐसे पीछे से दिखती है। पीछे इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिल जाएगी, बजाज री की बैजिंग मिल जाएगी, और इसके शॉक और सस्पेंशन वगैरह दिखाऊंगा आपको नीचे से। ये देखो भाई प्रॉपर जो ऑटो वाला सस्पेंशन होता है वही इसमें है। बाकी बैटरी वगैरह और पूछ लेते हैं, बैटरी कौन सी है, लिथियम वाली है कौन सी इसमें? लिथियम वाली। ये भाई इसमें पीछे है स्टेपनी रखने की जगह, और ये बैटरी का वो है क्या चार्जर? इसका चार्जर थोड़ा अलग है यार, इसका चार्जर है ये। कितना चार्जर? इससे चार्ज होती है? ओबे भाई इसका तो बहुत छोटा सा चार्जर है यार, ये देखो। और मशीन आ गई हमारी, चलो भाई। चलिए धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। तो भाई ये थी बजाज की री इलेक्ट्रिक, एक चार्ज में 150 किलोमीटर चलती है प्रॉपर पूरा का पूरा। 3+1 में पास हो गई है क्यों ड्राइवर साहब? 3+1 में पास है सबकी से जैसी भी जानकारी दो। धन्यवाद भैया, जेसीबी की नहीं चाहिए, इसी की चाहिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद, काफी दिनों से ढूंढ रहा था, आज जाके भाई बजाज की गाड़ी मिली है मेरे को। तो भाई हाईवे के जाम से जूझ जाच के मथुरा जंक्शन पे आ चुके हैं, और भाई मथुरा जंक्शन पे आते के साथ ही दोपहर के 12 बजे जाके धूप निकल आई है। अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे आज धूप निकलेगी नहीं, पर बंसी वाले की कृपा हुई है, धूप इतनी अच्छी लगती है सर्दियों में भाई, खासतौर से कोहरे वाले दिन निकला है तो मज़ा ही आ जाता है। और जैसे ही मथुरा जंक्शन पर आया था तभी भाई एक भाई लेके आया हुआ था आगरा से अपनी बजाज री, काफ़ी लंबे समय से लोग मुझसे बोल रहे थे बजाज री का रिव्यू करने के लिए। मथुरा में बजाज की गाड़ी अभी तक आई नहीं है कोई भी जो रिव्यू करता, क्योंकि चलती है गाड़ी कोई दिखता है तो उससे बात की जा सकती है, जब गाड़ी है ही नहीं तो रिव्यू कहाँ से बनाता। तो भाई जैसे ही वो आगरा की गाड़ी दिखी उस भाई के पास पहुँच गया कि भैया थोड़ी सी जानकारी दे दो, मेरे जो देखने वाले वो लोग मांगते। तो आज आपको बजाज का जो रिव्यू था वो भी मिल गया है। अभी भाई मेरे पास एक काम हो रहा है जिसकी वजह से मैं आज नहा धोकर नहीं आया था, बाल कटवाने का, अपनी शेविंग वगैरह करवाने का। दोपहर के 12 बज गए हैं, धूप निकल आई है, तो चलिए अब चलते हैं अपने दास भाई की दुकान पे, बाल कटवाते हैं, शेविंग करवाते हैं, उसके बाद घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, खाना पीना खाएंगे, शाम के टाइम में दोबारा निकल के आएंगे। चलिए धूप का मज़ा आएगा आज भाई, नहा धो के सीधा छत पर पहुँच जाऊँगा, धूप सेकूँगा, मल कर गया आज। क्या चल रहा है, कटिंग चल रही है? राम राम भैया दास। हाँ हाँ कर दे भैया, हमारी भी कटिंग, बाल बड़े बड़े हो रखे हैं यार। हाँ हाँ टोपा लगा लो तो भाई बाल ऊपर को हो जाते हैं सारे। चलिए हेलो कर देते हैं, आज पहली बार देख रहे हो वैसे। क्यों बे
क्या कर रहे हो? तीसरा कहाँ है मंगू? चौथा कहाँ है कालो? कहाँ पे बाहर घूम रहा? एक घर से बाहर निकल गया है, तीन छत पे घूम रहा है। कैसा लग रहा हूँ भाई? बाल बाल कटवा के सीधा आ गया था घर, थोड़ी देर आराम किया, ब्लॉग एडिट किया। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और दोबारा से निकल के जा रहा हूँ मथुरा जंक्शन के लिए। अपने सारे इंतजाम पूरे कर लिए क्योंकि भाई सर्दी बहुत है। आज सुबह से ही कोहरा था भयंकर वाला। पूरा का पूरा इंतजाम हो चुका है तो निकलते हैं। अब देखते हैं शाम के टाइम में कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वैसे भी आज सुबह से ही पूरे दिल की लय बिगड़ी रही है भाई। लगातार 15-20 दिन बाद आज एक ऐसा दिन आया कि बहुत हल्का जा रहा है मेरा अभी तक तो। अभी निकलने के बाद कैसा जाएगा वो कहानी बाद में बताएंगे। पहले यहाँ से निकलते हैं, मथुरा जंक्शन पहुँचते हैं और कोशिश करते हैं कुछ कमाने का मौका मिल जाए, क्योंकि सुबह के टाइम में कुछ हो नहीं पाया। 2 चक्कर लगाए थे और दोनों के दोनों रिफाइनरी नगर के, एक रिफाइनरी नगर का, एक खुद मथुरा रिफाइनरी का। तो उसके बाद कुछ मिला नहीं था, फिर मैं निकल आया था बाल कटवाने के लिए। लगभग 12 बज चुके थे तो सोचा कि कटिंग करवा के निकल ही जाता हूँ। तो भाई करवा के घर आए, आराम करके बाद दोबारा चलते हैं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा शाम का टाइम। भाई सब रहता हूँ कोहरा, ये दरवाजा देख भी नहीं रहा, बताओ भयंकर कोहरा है भाई। दोस्तों लगभग शाम को 5 बजे के करीब मैं घर से निकल के आया था कुछ काम करने के इरादे से, और भाई जैसे ही मथुरा जंक्शन पे पहुंचा कोहराला शुरू हो गया भाई बहुत भयंकर तरीके से। तो मथुरा जंक्शन आने के बाद पहली सवारी मुझे कचहरी की मिली, कचहरी गया, उनको छोड़ते छोड़ते वो कोहरा और ज्यादा घना होता चला गया। वापस मथुरा जंक्शन पहुंचा कचहरी वाली सवारी को छोड़ने के बाद, उसके लगभग आधा पौना घंटे बाद मेरे को सवारी मिली वृंदावन की, इस्कॉन टेम्पल की। कोहरा भयंकर पड़ रहा था, हिम्मत नहीं पड़ रही थी, पर सुबह का टाइम बहुत ज्यादा हल्का हो गया था, इस वजह से मैं सवारी लेके निकल गया इस्कॉन के लिए। और भाई इस्कॉन से सवारी छोड़ के गया प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर से सवारी बिठाई और उसमें थोड़ा सा पोपट हो गया मेरा। प्रेम मंदिर पे सवारियों की भीड़ लगी हुई थी तो कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। एक सवारी मेरे पास आई, उसने कार्ड दिखाया, हमारे यहाँ मथुरा बस स्टैंड के पास BSA कॉलेज है, तो उस कार्ड पे एक होटल का नाम था BSA के पास में। तो वो सवारी को मैंने पैसे बताए, सवारी बिठाई और मैं लेके चला आया। मेरे दिमाग में यही था कि जिसने कार्ड दिखाया वही सवारी मेरी गाड़ी पे, मैं लेके सीधा चलाया BSA कॉलेज तक। तो मैंने कहा भैया BSA कॉलेज आ गया आप उतरो, वो बोले कि BSA नहीं, हमने तो जन्मभूमि बोला था। मेरा दिमाग घूम गया यार, फिर दोबारा BSA कॉलेज से जन्मभूमि वापस गया छोड़ के सवारी को। अब वापस चलते हैं भाई, कोहरा भयंकर पड़ रहा है, 9 बज चुके हैं, जो कमाना था जो होना था बंसी वाले ने दे दिया है। अब निकलते सीधा घर, आराम करेंगे, खाना पीना खाएंगे। सुबह के टाइम में काम नहीं हुआ था, थोड़ी सी मायूसी थी, लेकिन बंसी वाले ने वृंदावन जाना आना 2 चक्कर आराम से लगवा दिया। अब चलते हैं घर। चलिए भाई सो गए? सिर में दर्द है भाई। हाँ सिर में दर्द है रहा है। कैसे पता ना, सिर दर्द की दवा ले लो। ले ली है? लो भाई घर पे आते ही ये बुरी खबर मिली है, हमारी मैडम के सर में दर्द हो रहा है। तो भाई दोस्तों घर पे आते ही थोड़ी सी बुरी खबर मिली है, हमारी मैडम के हो रहा है सर में दर्द। 2 दिनों से सर्दी थोड़ी सी बढ़ गई है। कोहरा भी कल जब मैं सुबह गया था सवारी घुमाने के लिए कोहरा था, पर इतना ज़्यादा नहीं था। आज सुबह से जो कोहरा आया भाई, सुबह निकलते ही डर लग गया एकदम, झपाझप तब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सुबह में जो कोहरा था वो दोपहर को लगभग 1 बजे के करीब में हटा, और भाई दोबारा से शाम को 5 बजे से फिर दोबारा आ गया। अभी वृंदावन से आया हूँ सीधा, पूरा का पूरा रास्ता भाई धुंध के मारे भरा हुआ है, बहुत ही डर डर के और बहुत ही धीरे धीरे सवारी लेके गया था और उनको छोड़ने के बाद फिर वापस आया। सवारी छोड़ के सीधे घर आ गए, हमारी मैडम ने खाना लगा के रख रखा है। वैसे तो रोजाना मैडम ही देती थी, लेकिन आज थोड़ी सी ड्यूटी चेंज हो गई है, हमारी मैडम के हो रहा है सर में दर्द। तो भाई अपने आप खाना लेते हैं, खाते हैं और आराम करते हैं, इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। बहुत लंबा समय हो गया दोस्तों, आप सपोर्ट करना शुरू कीजिए यार। 300 से ऊपर वीडियो होने को जा रहे हैं भाई, थोड़ी सी तया खाइए। आपको और कंटेंट अच्छा लगता है, और जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।